हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तनुपमारिक 2-3-4 ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7:30 बजे से मेरी शॉप से हो रही है। तो कल से मेरी ड्यूटी लग रखी है दुकान में, इस वजह से मैं कहीं भी नहीं जा पाई ब्लॉग बनाने के लिए। और जो मेरे एक चाचा जी हैं पूरे सपोर्ट करने वाले, तो वो ब्लॉग बना के ला गए थे, तो वही मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कपोलसियो पट्टी के कुछ खूबसूरत से गांव। और तो चलो, अब ज़्यादा बोलना क्या है, आप ही देख लीजिए कि कितने अच्छे हैं। भाभी जी की बारात में हम 3 साल पहले आए थे यहाँ पे। हाँ, और एक कपोलसियो पाली गांव है, बुड्ढे हो गए। और भाभी जी भी आप 50 क्रॉस हो गए, तो मतलब बुड्ढे हो चुके हैं। गजब बेइज्जती है। और हम भी 45-46 करोगे तो हम भी हो ही गए मतलब। और तो दोस्तों, अब इसी के साथ इसके आगे का ब्लॉग मैं करूँगी वॉइस ओवरव्यू इसके साथ। और ये है कपोलसियो पट्टी का बहुत ही खूबसूरत सा गांव, पाली गांव। और यहाँ पे हम अभी जो दादी दिखाई थी उनका पुराना घर दिखाते हैं। तो जो आगे में दिखाई दे रहा है ये है उनका पुराना वाला घर। और आगे चलते हैं, आगे से इनका नया घर भी दिखाते हैं। तो इसके बगल में जो दिखाई दे रहा है ये है इनका नया वाला घर। तो कुछ इस प्रकार से है ये दो दादी जी, हमने अभी दिखाई थी उनका घर। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सारे पेड़ लगा रखे हैं, तो पेड़ देख सकते हैं आप। और नीचे इन्होंने सब्जी बो रखी है, प्याज वगैरह लगा रखा है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं अपना गाँव। और यहाँ पर रही नैन्सी। तो चल नैन्सी, हेलो करो। तो ये है नैन्सी, दादी की भतीजी। और अब हम इधर से आपको पूरा गांव बताते हैं एक बार, और आप भी इंजॉय कीजिए कपोलसियो पट्टी का ये खूबसूरत सा गांव, पाली गांव। ना बाटू बताणू, ना समले के जानू, ना वेयू अपाणू बिराणू चा। ना बाटू बताणू, न समले के जानू, न वेयो अपाणू विराणू चा। रोत्यालू गाऊं यादाणू चा, रोत्यालू मुलक यादाणू। नमस्ते बाबा, तो ठीक जाइए। हाँ। क्या करनी थी तू? रोटी भुजी। हाँ। क्या भुजी बना बाबू? आलू की। हाँ। अरे और आज तो कुनी जगी माँ खीर बनानी। खीर भी पकाती है माँ ने? अच्छा, अब हम तक भी दे लिया। हाँ, मामा जी भेज थी ना? हाँ, भेज दिया तो बेटे खाड़ो को। अब मामा तो अभी बोलिया नमस्ते। तो हेलो मामा जी, क्या करना है? नमस्ते बोल दी। बोले ना मामा जी, बोले दे। फिर बोले आप, बोल आप, बोल। नमस्ते बाबा। मामा जी बोल, करो मामा नमस्ते। बोल बोल, क्या करो? मम्मी नमस्ते। मामा बाबा ये ले आए। क्या बोल? नैन्सी बोल। क्या बोल? क्या बोल? क्या बोल? काली कहाँ बैठे? काली कहाँ बैठे? तो यहाँ पे रहे दादी के मायके वाले। और अब हम सभी लोग चलते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ से निकल पड़े हैं हम लोग। क्या कहनी तू? क्या कहनी तू? कृष्णा मामा छोड़ो जाने। 30 साल पहले आए थे हम यहाँ पे। हाँ। और 30 साल बाद अब आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम निकल चुके हैं घर आने के लिए वापस। और यहाँ आप रास्ता देख सकते हैं किस प्रकार से है। और यहाँ ऊपर इतनी भयंकर वाली चढ़ाई है ना कि क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे। और ऊपर से हम ना अभी आपको पूरा जो कपोलसियो पट्टी के जो गांव है ना यहाँ से दिखाई देते हैं ऊपर से, तो वो भी दिखाएँगे। और अभी तो हम जा रहे हैं ऊपर के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आफत आ चुकी है हमें। और यहाँ पे नैन्सी का चप्पल भी निकल चुका है, तो इसको पहले हम चप्पल पहना देते हैं,
फिर अब हम निकल रहे हैं ऊपर और ऊपर ही मिलते हैं आप सीधे और वहाँ से दिखाते हैं और आप भी इंजॉय कीजिएगा। और उधर ये है असोल सुई पट्टी, क्या क्या उनका उनका नाम? उनका नाम है एक फसल, वो क्या हाथू रिठोली, फैर गदलिंड, गदलिंड मल्ला, ये धरकोट है, ये धरकोट है सामने जमकंडी, जमकंडी इधर पहली तरफ क्या है कपल सुन के बर्स इधर इधर भेल भी है जैन से नीचे तो भेल की तरफ कहाँ जा रही है जैन से नीचे भेल की तरफ मत जा। ठीक है सब तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आपने देखे होंगे कपूरसी पट्टियों के कुछ खूबसूरत से गांव और ये उन दादी का मायका था। तो इस ब्लॉग में इतना ही और कल मिलेंगे नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।